हेलो एंड वेलकम टू द यूएफसी एंड एमएमए क्रूज हिंदी में। आज फिर से आपके लिए लेके आए हूँ नई तरोताज़ा अपडेट्स यूएफसी और एमएमए वर्ल्ड से रिगार्डिंग। सो लेट्स गेट किक ऑफ द शो। सो फर्स्ट अपडेट है खबीब नर्मागोमेदोव की तरफ से। खबीब साइन करना चाहते हैं जेक पॉल को अपने प्रमोशन के लिए। खबीब नर्मागोमेदोव ने जेक पॉल को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है और वह उनके आंसर का वेट कर रहे हैं ईगल एफसी में कम्पीट करने के लिए। वैसे जेक पॉल एक यूट्यूबर टर्न बॉक्सर है और उन्होंने अच्छा बॉक्सिंग में थोड़ा नाम बनाया है। जो प्रीवियस उनकी जो फाइट्स थी उन्होंने एमएमए फाइटर्स के साथ जो लड़ी वो जीते हैं और अभी तक बॉक्सिंग में अनडिफीटेड है। बहुत से लोग उन्हें हेट भी करते हैं बट उन्होंने टायरन वुडली को भी नॉकआउट किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि वो एमएमए डेब्यू मतलब करना चाहेंगे आगे फ्यूचर में। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मतलब क्या वो ईगल फाइट को साइन करते हैं या नहीं। सो मुझे नहीं लगता कि वो मतलब साइन करेंगे और मतलब एमएमए में इतनी जल्दी डेब्यू करने वाले हैं। कर सकते हैं बट अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता वो करेंगे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट उन्हीं के रिगार्डिंग है। जेक पॉल ने अपना न्यू रैप सॉन्ग आउट कर दिया है यूट्यूब पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक डिस्ट्रैक है जहां उन्होंने डैना वाइट, कॉनर मैकग्रेगर और मास्वीडल को डिस किया है। उनके लिए एक डिस्ट्रैक बनाया है, मतलब पूरे यूएफसी का जो मैनेजमेंट है, जो भी प्रॉब्लम है उस पर उन्होंने एक पूरा डिस्ट्रैक बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है काउबॉय सरोने के कमबैक को लेकर। सो डोनाल्ड सेरोने आने वाले यूएफसी अप्रैल 30 के कार्ड में फाइट करते दिखाई दे सकते हैं। उनके ओपोनेंट जोई लुजॉन होंगे। वैसे सेरोने 6 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पर है और वहीं जोई लुजॉन अक्टूबर 2019 से कम्पीट नहीं किया है, जहां उन्होंने अपनी लास्ट फाइट में जोनाथन पियर्स को फर्स्ट राउंड टीकाओ से हराया था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमजत चिमायो के बारे में। तो हमजत चिमायो वर्सेज गिलबर्ट बन की फाइट यूएफसी 274 के कार्ड में हो सकती है मई 7 को। वो कार्ड ब्राज़ील में होगा या होने की संभावना है। वैसे कंफर्म न्यूज़ नहीं है और ना ही अभी तक कुछ ऑफिशियली सामने आया है, बट एक रूमर है जो कि शायद से पॉसिबली मतलब उसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। वैसे हमजत और गिलबर्ट में सोशल मीडिया पर बैक एंड फोर्थ भी हुई थी, जहां हमजत ने उन्हें चोक करने की मतलब चोक करके हराने का दावा किया था कि वो उन्हें चोक करके हरा सकते हैं या उन्हें वो चोक कर देंगे, उन्हें सबमिट कर देंगे। तो देखने इंटरेस्टिंग होगा और अगर ये फाइट होती है तो मतलब आप इंटरेस्टेड हैं इस फाइट को देखने में। वैसे मुझे लगता है ये कमाल की फाइट होगी। सो ये थे आज की अपडेट्स। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।